नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। छिंदवाड़ा पुलिस एवं डकैतों के बीच मुठभेड़ के बाद चार कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार करने में छिंदवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गौरतलब हो कि एटीएम लूटकांड एवं मोकर डकैती कर हत्या करने के बाद किसी बैंक अधिकारी के घर बीती रात को डकैती डालने की योजना बनाई जा रही थी, तभी छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई कर दी गई। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तब तक पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डकैती में इस्तेमाल किए जाने वाले पिस्टल, देसी कट्टा सहित अन्य सामग्री को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जिला न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल पहुँचा दिया गया। देखिए डीटी न्यूज की खास रिपोर्ट। गाड़ी जो है वो देवराम है, इनके बताए अनुसार इनके भाई की है। मनीष कल रात में हम लोगों को एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि कुछ पांच अज्ञात बदमाश एक कार से छिंदवाड़ा के आसपास देखे गए हैं और वो बाहर के क्षेत्र में डकैती बनाने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना से मुझे थाना प्रभारी कोतवाली ने अवगत कराया था, फिर मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को निर्देशित किया गया। उनके निर्देशन में अलग अलग टीमें बनाई गई और टीमों ने जाके घटनास्थल के आसपास की घेराबंदी की और ये पुख्ता होने के बाद कि जो मुखबिर ने बताया था उसके अनुसार ही गाड़ी और उसमें आदमी वहाँ पर हैं, पुलिस ने उनको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। जब पुलिस ने उनको ललकारा तो उनके द्वारा वहाँ पर बाहर निकले और एक फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पूरी पुलिस टीम ने उनको घेराबंदी करके मौके से चार लोगों को पकड़ा। पूछताछ में उनके नाम देवा और देवराम, जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला है, साथ ही रमेश ठाकुर जो सिवनी ज़िले का है, रवि महाराज है भंडारा का रहने वाला है, चेतन भंडारा का रहने वाला है, चार लोगों को पुलिस ने पकड़ा। देवा के पास से एक पिस्टल, रमेश के पास से एक कट्टा और दोनों के पास से तलवार और अन्य हथियार बरामद किए। पूछताछ में इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, तलाशी में इनके पास से स्प्रे मिला है, साथ ही पुलिस की यूनिफॉर्म मिली है और अन्य वहाँ पर हथियार भी रखे हुए गाड़ी में हम लोगों ने बरामद किए। घटना के बाद जब इनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि छिंदवाड़ा में 25-26 की दरमियानी रात में थाना मोखेड़ में उमरिया खुर्द में हत्या करके डकैती की घटना की गई थी। ये गैंग उस घटना में शामिल थी। साथ ही सारणी ज़िले में बगडोना में एटीएम काटने की घटना हुई थी 24-25 की रात में, उस घटना को भी इन्होंने कारित किया था। पूछताछ में इनके अन्य साथियों का भी खुलासा हुआ है। साथ ही उस घटना में इनके द्वारा कैश जो लिया प्राप्त हुआ था वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। साथ ही जो जेवरात हैं उनके लिए हमारी टीम बाहर गई है और जेवरात भी हम लोग शीघ्र बरामद करेंगे। घटना में जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनकी भी पहचान हो गई है, उनके लिए भी हमारी टीमें बाहर गई हैं, यथाशीघ्र उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर ने 30,000 रुपये का खुलासे पर इनाम घोषित किया था। मैं अपनी ओर से और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से पूरी टीम को बधाई देता हूं, साथ ही पूरी टीम को और भी इनाम देने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से मैं प्रस्ताव भी भेजूंगा। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना ना भूलें।